तुम लोगों का दिमाग पक गया होगा डेडपूल 3 के अपडेट्स को लेकर, एंड मेरा दिमाग तो और पक गया था। इतने सारे वीडियोस एंड न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट पे तो अलग ही बवाल मचा है, लेकिन मैंने खुद को वश में किया और फिर इस विषय पर सामने आया। सो डेडपूल 3 का ट्रेलर अगले महीने सुपर बॉल इवेंट में रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले इतने लीक्स आ चुके हैं कि लोगों ने अपनी ही मूवी बना डाली, तो मैं भी पीछे ना रहते हुए एक पॉसिबिलिटी के साथ आया हूँ। डेडपूल 3 में वुल्वरीन एंटर कर तो चुका है और एक अच्छा खासा रन टाइम भी होगा, बट लोग काफी कंफ्यूज्ड हैं कि ये होगा कैसे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें एक्समैन के टाइमलाइन में ट्रैवल करना पड़ेगा। नाउ फोकस, अब देखो एक लीनियर टाइमलाइन है। फर्स्ट क्लास, ओरिजिन्स वुल्वरीन, एक्समैन 1, एक्समैन 2, लास्ट स्टैंड, द वुल्वरीन, फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से लिनियरिटी को ब्रेक करता है टाइम ट्रेवल बाय वुल्वरीन। नाउ इस टाइमलाइन में आता है एपोकैलिप्स, डार्क फिनिक्स, द न्यू म्यूटेंट्स और लास्ट में लोगन। अब डेडपूल दूसरे टाइमलाइन का हिस्सा है और जो ईयर इवेंट है वो डार्क फिनिक्स एंड लोगन के बीच सेट किया है, तो पहले टाइमलाइन में वुल्वरीन जिंदा है एंड सब नॉर्मल है, एंड दूसरे टाइमलाइन में वुल्वरीन इज नो मोर। हमें डेडपूल के शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी टीज करा जा चुका है वुल्वरीन के कोलैबोरेशन को लेकर। जो पेपर ड्राइंग डेडपूल खोलता है उसमें डेडपूल प्लस वुल्वरीन का मतलब होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, म्यूटेंट सीरम का मीनिंग वुल्वरीन वापस आएगा। दूसरे टाइमलाइन में सिर्फ लोगन रिप्रेजेंट किया है, बट पास्ट में क्या हुआ उन इवेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड रखा है, तो वुल्वरीन जो दिखाया जाएगा वो इस टाइमलाइन का होगा और डेडपूल 3 में शायद से उसका पास्ट भी एक्सप्लोर किया जाएगा, या फिर वुल्वरीन को डायरेक्टली डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट से उठाएंगे, क्योंकि वुल्वरीन उस टाइमलाइन में अभी भी जिंदा है एंड जैसे कि मैंने बताया सब कुछ नॉर्मल है और जीन भी जिंदा है विद स्कॉट समर्स। कोई बोलता है कि एमसीयू के प्रोफेसर एक्स जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आए हैं वो वुल्वरीन आएगा, और कुछ बोल रहे हैं कि पहले टाइमलाइन से आएगा। यार ये बात समझो कि डेडपूल के पास टाइम मशीन है, इंटर डायमेंशनल टाइम मशीन नहीं है लाइक टीवीए। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट से वो एक अलग यूनिवर्स बन जाता है, तो टीवीए पर डिपेंड करेगा कहां से कौन सा वेरिएंट उठाना है। अभी रिसेंटली डेडपूल के वेरिएंट पिक्स आर लीक्ड, जिसमें वो फिट एंड फाइन, लंबे ब्लॉन्ड हेयर और डिफरेंट टेक्सचर का सूट पहने हैं, एंड वो एक्चुअली डेडपूल वुल्वरीन से मिलता भी है। सो इट्स गेटिंग क्रेजियर। लीक्स के हिसाब से साइक्लॉप्स का सूट कॉमिक एक्यूरेट है, सेबरटूथ एक्समैन 1 का है, एंड द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी बीस्ट एक्समैन 1 वाला है। सो ये डाउट सॉल्व हो गया, एक्समैन 1 टाइमलाइन तो पक्का इन्वॉल्व है। डेडपूल की प्रीवियस कास्ट रिटर्न करेगी एंड पीटर द कॉमन मैन 2 विद न्यू कैरेक्टर्स लाइक डॉगपूल, मैथ्यू इन अननोन रोल एंड एमा कॉरन एज लीड विलन, प्लस इलेक्ट्रा एंड टॉड भी आ रहे हैं। और कुछ रूमर्स की माने तो जीन ग्रे एंड प्रोफेसर एक्स को भी घेरे में रखा है। एक्सेवियर का तो समझ आता है, पर जीन ग्रे क्या करेगी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं लग पा रहा, तो अपना आइडिया कमेंट सेक्शन में लगा दो। कमिंग टू द स्टोरी आर्क, तो मेजोरिटी ऑफ द रूमर्स में डेडपूल रिटायर हो चुका है, रस्टी कॉलिंस का ध्यान रखता है विद वैनेसा, ये है वेड विल्सन की करंट लाइफ। अब क्या होता है कि टीवी डेडपूल को अप्रोच करता है एंड इट कुड बी फॉर 2 रीजंस। पहला ये कि जो टाइम मशीन उसे मिला उसकी वजह से डेडपूल ने जो भसड़ मचाई है वो सब समेटने आएंगे टीवीए वाले, या फिर टीवीए से रिलेटेड कोई सीरियस थ्रेट को डेडपूल सॉल्व करेगा जो उसके यूनिवर्स के टाइमलाइन के आड़े आ रही है विद मोबियस, बिकॉज ही इज इन द कास्ट। नाउ लिसन केयरफुली, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम का इवेंट था, उसमें सारे विलेंस जो स्पाइडरमैन को जानते थे वो सब खींचे चले आ रहे थे, सिमिलरली यहाँ कुछ ऐसा ही होगा। एक्समैन के कैरेक्टर भी डेडपूल के पास आ जाएंगे, और सबसे वियर्ड मोमेंट तब होगा जब हमारा यूनिवर्स डेडपूल के साथ कोलाइड करेगा। यस एग्जैक्टली, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ पे 20th फॉक्स सेंचुरी का बड़ा सा लोगो स्टैचू पड़ा हुआ है, जो हमारे वर्ल्ड में डेडपूल के मेकर्स हैं। जैसे ग्वेनपूल ने डॉक्टर स्ट्रेंज को हमारे अर्थ का थिएटर दिखाया जिसमें मूवी लगी हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज, और डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि मुझे कौन प्ले कर रहा है। सच में ये बहुत ज्यादा क्रेजी मोमेंट होगा। आप ऐसे समझो मार्वल यूनिवर्स में हमारा अर्थ 1218 है, और आप जानते हो हमारे वर्ल्ड में कोई सुपर हीरो नहीं है, बस इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक्स, मूवीज, कॉस्प्ले एंड मोर ऑफ देम। तो डेडपूल अर्थ TRN-414 से अर्थ 1218 यानी हमारे अर्थ पे आएगा वुल्वरीन से लड़ते हुए। यार ये मूव काफी ऑसम है टू अट्रैक्ट फैंस, और मैं तो इस मूवी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और लोकी भी इस मूवी में है, एज यू कैन सी टॉम हिडलस्टन का नाम भी कास्ट में जुड़ा हुआ है, पर वो कैसे कनेक्ट होगा पता नहीं।
हो सकता है मोबियस अपनी मेमोरीज शेयर करे विद डेडपूल जिसमें लोकी का मेंशन हो, पर मैं यहाँ गलत होना चाहता हूँ बिकॉज लोकी फैंस के दिल में बहुत बड़ी जगह बना चुका है। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड मोर देन एक्सपेक्टेशंस। मैं तो अभी से स्क्रीन पर टिकट का काउंटर पकड़े बैठा हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए, ताकि स्पॉलर्स को टैकल करते हुए अपने सीट नंबर तक पहुंच सकूं। और हाँ, जो वॉलपेपर मैंने एक्समैन टाइमलाइन का डिजाइन किया है वो मैंने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हो पूरा जूम करके। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मूवी से, ड्रॉप इट डाउन। और 22 जनवरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम कॉम सिस्ट, विल मीट यू सून। स्टे ट्यून्ड।